अब हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के क्या फायदे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम करता क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे और हमें खाना पचता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि अगर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम कोई भी हो, किसी भी बॉडी का, उसको हेल्दी रखना है तो हमको इंश्योर क्वान्टिटी में वाटर खाना चाहिए और हमें खाने से पहले पानी पी लेना चाहिए। खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए वरना इश्यू हो सकते हैं। दूसरा, हमें अपनी डाइट में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लाइट प्रोटीन फ्रूट्स, फाइबर अच्छी क्वांटिटी में हमें रखना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेक डाउन है वो स्लो, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं लाइक जिसमें फाइबर होता है लाइक राइस हो गए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रोसेस होते हैं उसको स्लो कर देते हैं। इस वजह से खाना देर तक पेट में रहता है और हमें होता है और हमें अच्छे से डाइजेस्ट होके फिर निकलता है हमारी बॉडी से। तीसरा, हमें प्रोबायोटिक खाना खाने चाहिए लाइक योगर्ट खाने चाहिए, वेजिटेबल खाने चाहिए, सैलेड खाने चाहिए, क्योंकि इसमें हेल्थी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बूस्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को और खाने को पचाने में हेल्प होते हैं। चौथा, हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस वजह से हमें इश्यू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ट्राई करना चाहिए और इम्प्रूव करने के लिए हमें स्मॉल स्मॉल मील खाने चाहिए जिसकी वजह से अच्छे से हमारा डाइजेस्टिव खाना धीरे धीरे पचे। कम क्वांटिटी में होगा तो जल्दी जल्दी पचेगा और कोई इश्यू नहीं होगा हमारे बॉडी को, ठीक है। पांचवा, हमें अच्छे से चबा के खाना खाना चाहिए जिस वजह से पूरा का पूरा मिक्सअप हो जाए और ज़्यादा कष्ट ना हमारे बॉडी को, जिस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से कर ले। छठा, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसकी वजह से बॉडी हीटअप हो जाती है, हीटअप की वजह से खाना और जल्दी पचता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आती। हमें अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए, छठा, एंड हमें स्लीप पूरी लेनी चाहिए, ये सातवां पॉइंट है। आठवां पॉइंट, हमें अपनी बॉडी के अच्छे से सुननी चाहिए कि हाँ भाई हमारे बॉडी के खाने से ये दिक्कत हो रही है और ये हमें अवॉइड करना चाहिए जिस वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि जिस चीज़ को खाने से अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आने आ रही है उसे हमें कम क्वांटिटी में खाना चाहिए, और अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या तो फिर हमें उस चीज़ को कम कम खा के धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, लाइक मिल्क हो गया, क्योंकि वो हैवी होता है, प्रॉब्लम होती है, इस वजह से धीरे धीरे खाने के साथ नहीं या तो फिर कम क्वांटिटी में अकेले खाना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।